के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आप सबके साथ, तो इंग्लिश क्लास को लेकर है। बेसिकली इंग्लिश क्यों ज़रूरी है, आप ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो है इंग्लिश को लेके एक बहुत ही ज़्यादा एक माइंडसेट बना हुआ है कि इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा टफ है, इंग्लिश में बात करना, इंग्लिश में बोलना और इंग्लिश में पढ़ना एक बहुत बड़ी समस्याएँ आपके सामने आता है और आप बहुत ही ज़्यादा डरते हैं इंग्लिश बोलने से, लिखने से, और इवन आप ग्रामर में भी मिस्टेक करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग जो है ठीक करने के लिए, इन सब के ऊपर आप सबके साथ काम करने के लिए अभी जो है हम लोग इंग्लिश का लेक्चर लेकर आने वाले हैं। तो वहाँ पर जो है आप चीज़ें सीख सकते हैं, और जो है हमारे ऑफलाइन सेंटर पे ऑलरेडी जो है हमारी क्लासेस स्टार्ट है, तो वहाँ पर जाके आप क्लासेस देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको अगर लगता है कि इंग्लिश में आपको आगे चल के इंग्लिश में एक बहुत ही अच्छा इंग्लिश कम्युनिकेशन आपको बनाना है और अच्छे से आपको इंग्लिश के अंदर कुछ एक अच्छा अलग करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे डरते हैं इंग्लिश में कैसे पढ़ाई करना है, कैसे आगे हम चीज़ें करेंगे, तो बट ये आपको कहीं ना कहीं ये मतलब डर जो है आपके अंदर से निकल जाएगा। आप हमारे सेंटर को ज्वाइन कीजिए, हमारे असाका एजुकेशन के बिरपुर ऑफलाइन सेंटर पे हमने जो है ये इंग्लिश क्लासेस स्टार्ट किया हुआ है। बहुत ही मिनिमम फीस है, आप लोग सब लोग बहुत आराम से एफोर्ड कर सकते हैं, और जो हमारे फैकल्टी है वो इंग्लिश में कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो आपके साथ वो दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार है। तो आप लोग आइए, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम लोग कवर करवाएंगे आपको, जैसे इंग्लिश में कैसे पढ़ा जाता है, बुक की कैसे रीडिंग करना है, ग्रामर कैसे समझना है, ठीक है, और उसके साथ साथ आपको बोलने की प्रैक्टिस करवाया जाएगा, राइट। तो आप 1 से 2 महीने 3 महीने के अंदर नहीं, बट आप कम से कम थोड़ा सा हमारे साथ टाइम देंगे तो 3 4 महीने 5 महीने के अंदर आपको अपने अंदर बदलाव जरूर दिखेगा, क्योंकि हर चीज़ के लिए थोड़ा बहुत वक्त लगता है, टाइम लगता है, ठीक है। तो आप लोग आइए, ज्वाइन कीजिए हमारे असका एजुकेशन बिरपुर सेंटर को, ठीक है। आपको गूगल पे भी आप सर्च करेंगे मिल जाएगा, फेसबुक पे, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे हमारा है। आपको अगर कोई कठिनाई होता है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पे, हमारे ऑफिशियल नंबर है जो कि आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं हमें, ठीक है। और अभी हम लोग बेसिकली और भी अभी चीज़ें लेकर आने वाले हैं, अभी फ़िलहाल हम लोग जो है एक करियर से रिलेटेड अभी प्रोग्राम लेकर आने वाले हैं, जहाँ पे करियर मंथन प्रोग्राम होगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, डिफरेंट स्कूल के अंदर, डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर, डिफरेंट सिटीज़ के अंदर हम लोग ये प्रोग्राम करने वाले हैं। इस प्रोग्राम के थ्रू आप बहुत कुछ आप समझेंगे, ठीक है, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। सारे स्कूल, जितने भी स्कूल हैं, प्लीज़ हमें वो टैग करें, हमें मैसेज करें, सो दैट कि हम उस स्कूल को टाइप करेंगे एंड देन वहाँ पर जो है इस स्कूल के अंदर हम लोग जो है इस तरीके से करियर मंथन प्रोग्राम के थ्रू हम लोग बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट को करवाने वाले हैं कि करियर में वो आगे कैसे बढ़ सकता है, स्केचिंग में क्या आगे अपॉर्चुनिटी है, साइंस में क्या अपॉर्चुनिटी है, इवन कॉमर्स में क्या अपॉर्चुनिटी है, राइट। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे एस्पेक्ट्स के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी ये प्रोग्राम जो है कुछ ही दिनों में, कुछ ही वीक में जो है हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, तो आप सबको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। जितने भी स्टूडेंट क्लास 1 से लेके 12 तक पढ़ाई कर रहे हैं, उन सब के लिए ये प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सब लोग अटेंड कर सकते हैं, चाहे वो साइंस का हो, कॉमर्स का हो या आर्ट्स का स्टूडेंट हो, सबके लिए ये प्रोग्राम है, ठीक है। तो आपको इस प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा हमारे पोस्ट के थ्रू, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब वीडियो पोस्ट के थ्रू मिल जाएगा आप सबको, ठीक है। और कहाँ कहाँ प्रोग्राम्स होंगे, कौन कौन से सिटी में प्रोग्राम होंगे, ये सब हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, एंड बहुत सारे हमारे जैसे और भी बहुत सारे स्पीकर होंगे आपके साथ,
जो कि आप सबको गाइड कर रहे होंगे, बता रहे होंगे कि कैसे करियर में आगे बढ़ना है, किस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं, आगे क्या करियर अपॉर्चुनिटी है, ताकि आपके आने वाला टाइम बर्बाद ना हो। सपोज़ क्लास 12th के बाद बहुत सारे स्टूडेंट का टाइम वो लैप्स हो जाता है, 1 साल 2 साल किसी चीज़ का प्रिपरेशन करने में, देन उसके बाद भी जब वो इंजीनियरिंग में जाता है उन्हें पता चलता है कि नहीं, ये तो इंजीनियरिंग मेरे लिए था ही नहीं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को लगता है, अरे मैं कॉमर्स में आ गया लेकिन बट मुझे साइंस में जाना चाहिए था, मैं साइंस में आ गया मुझे आर्ट्स लेना चाहिए था। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे डिफ़िकल्टीज़ आते हैं स्टूडेंट को, जो कि हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं आप सबको एकदम क्लियर माइंडसेट के साथ, ठीक है। तो प्रोग्राम का अनाउंसमेंट आप सबको बहुत ही जल्द मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।